शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ये सुंदर सी बुनाई, लेडीज जेंट्स बच्चों के स्वेटर टोपी में कहीं भी डाल सकते हैं, ये स्ट्रैप वाली बेबी इनर, इसका ट्यूटोरियल वीडियो भी हमने बनाया है। अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगी। तो अब हम इस बुनाई को समझें, थोड़ा सा इसका हम सिद्धांत की बात समझ लेते हैं कि चार लाइन की फोर रो रिपीट पैटर्न है और मल्टीपल ऑफ 3+1 तीन के गुणा से जमा एक फंदे की ज़रूरत है। तीन 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 और एक, तो इस तरह से ये हम फंदे डालेंगे। और जो चार सिलाइयों की बात हम कर रहे हैं तो आप एक सिद्धांत समझ लें तो आपको सुविधा रहेगी। ये एक फंदा है, इसकी मैं बात नहीं कर रही। ये वाली जो बीच की बुनाई है इसमें दो सिलाई सीधी बुनी जाएंगी, दो सिलाई उल्टी बुनी जाएंगी और इस फंदे को हम अलग तरह से बुनेंगे। तो बहुत ही सुंदर, आसान, अच्छी बुनाई है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब जैसे मैं थोड़ा सा आपको शुरुआत करके दिखा देती हूँ कि हम फंदे डालते हैं, मानिए डबल ऊन से हम फंदे डाल लेंगे या जैसे भी आपको डालने हैं, उसमें कोई ऐसे बंधन बाधा नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार फंदे डाल लीजिए। तीन के गुणा से जमा एक, तो हम फंदे डालेंगे, बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद बुनाई डालते हैं। तो आप जैसे भी समझें, मैं आपको थोड़ा सा पहली लाइन बुनकर थोड़ा सा दिखाती हूँ कि ये हमने फंदे डाले हैं तीन 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 और एक, मानिए हमारे फंदे हो गए मल्टीपल ऑफ 3+1। पहली सिलाई हमको जो बुननी है, अगर हम उल्टी तरफ हैं तो वहाँ पर हमको पूरी सिलाई उल्टी बुनकर हम अपने सीधी तरफ आएंगे, तब हम अपनी बुनाई शुरू करेंगे। तो ये मैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेती हूँ। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, उससे चैनल बूस्ट होता है, हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो अब जैसे यहाँ रो वन पे हम आ गए, पहली सिलाई पर, है ना। अब इसमें हमको क्या करना है, देखो पहला फंदा स्लिप कराना है, अब उसके बाद हमको दो फंदे सीधे बुनने हैं, फिर जो ये थर्ड स्टिच है इसमें एक बार दो बार तीन बार ऊन लपेट कर इसको बुनना है, ये हमको दोहराना है। दो फंदे सीधे बुनने हैं, तीसरे फंदे में एक बार दो बार तीन बार लपेट कर हमने बुना, फिर आखिरी के लास्ट के तीन फंदे हम सीधे बुन रहे हैं। तो ये मैंने पहली बार आपको करके दिखा दिया। अब यहाँ पे जो ये मेरा सैम्पल है उसमें हम थोड़ा आगे का काम देखेंगे। तो वहाँ मैंने दिखा दिया आपको कि पहली बार आप कैसे शुरुआत करेंगे। यहाँ पर अब हम इस सैंपल में वही रो वन कर रहे हैं, पहला फंदा हमने स्लिप करा, उसके बाद दो फंदों को सीधा बुना। अब ये हमारा लूज वाला फंदा है, इसमें हम एक दो तीन बार ऊन लपेट कर हमने बुना और फिर हम वही दोहराएंगे, दो फंदे सीधे और उसके बाद तीसरे फंदे में एक दो तीन बार ऊन लपेटी, दो फंदे सीधे, तीसरे फंदे में एक बार दो बार तीन बार दो फंदे सीधे। इसी तरह से आपके जितने भी फंदे हैं आप दोहराते जाएंगे। थोड़ी सी सिलाई एक नंबर मोटी भी लगाएंगे तो अच्छी बुनाई हो रही है। ये मेरी मोटी ऊन है, मैंने 7 नंबर की सिलाई लगाई है, दो फंदे सीधे और तीसरे फंदे में एक दो और तीन बार दो फंदे सीधे। और ये जो तीसरा फंदा है ये अलग तरह से बुना जाना है, इसका मेन बुनाई से उतना कनेक्शन नहीं है। अब हम आ गए लास्ट के आखिरी तीन फंदों पर, ये सीधे बुने जाएंगे। तो रो वन पहली सिलाई हमारी पूरी हो गई। अब आ गए हम दूसरी सिलाई रो टू पर। रो टू मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि दो सिलाइयाँ सीधी बुनी जानी हैं, दो सिलाइयाँ उल्टी बुनी जानी हैं। तो अभी हम दूसरी सिलाई पर हैं, पहला फंदा हमने स्लिप कराया और इन फंदों को हमें सीधा बुनना है, दो फंदों को। अब तीसरा वाला जो फंदा है इसको हम खोलेंगे, उससे पहले इस ऊन को हम अंदर की तरफ लाएंगे, फिर इस फंदे को खोलेंगे, फिर इस ऊन को बाहर की तरफ ले जाएंगे, फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ऊन अंदर की तरफ लाएंगे, इसको उधेड़ रहे हैं, खोल रहे हैं,
फिर ऊन बाहर की तरफ ले गए और इन दो फंदों को सीधा बुना। तो जब हम इस तरह से कर रहे हैं तो ये हमारा क्लियर एकदम साफ फंदा आ रहा है, इसलिए हमको ऊन को आगे पीछे करना पड़ रहा है। तो बस दूसरी सिलाई जो है ये हमारी ये खोलने वाली हो गई, दो फंदे सीधे, ऊन अंदर की तरफ, इसको खोला, फिर ऊन बाहर और दो फंदे सीधे। तो आसान, बहुत आसान बुनाई है, इसको आप कहीं भी डालेंगे अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। तो ये लीजिए दूसरी सिलाई हमारी पूरी हो गई, ये खोल लिया और आखिरी के जो तीन फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेते हैं। अब आ गए हम थर्ड रो, तीसरी सिलाई पर हम आ गए हैं। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है। अब हमने कहा दो सिलाइयाँ सीधी, दो सिलाइयाँ उल्टी, तीसरी सिलाई है, पहला फंदा हमने स्लिप कराया, अब हमको उल्टा बुनना है। दो फंदों को उल्टा बुना, अब हमें ऊन पीछे ले जानी है, इस फंदे को फिर से स्लिप कराना है, फिर से ऊन आगे लानी है। ये फंदा साफ रहे इसलिए ये ऊन आगे पीछे करी जा रही है। बस इन दो फंदों को उल्टा बुनना है, ऊन पीछे, इसको स्लिप कराया, ऊन आगे और दो फंदे उल्टे। तो देखिए अगर आप बिगनर भी हैं तब भी आप इस बुनाई को बुन सकते हैं। दो फंदे उल्टे, ऊन पीछे, स्लिप, दो फंदे उल्टे, ऊन पीछे, स्लिप कराया, ऊन आगे, दो फंदे उल्टे। तो ये हमारी तीसरी सिलाई, थर्ड रो पूरी हो जाती है। देखो जी, आपको कोई बात समझ में ना आए, आखिरी तीन फंदे हम उल्टे बुन लेते हैं। तो आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आ गए फोर्थ रो, चौथी सिलाई पर। चौथी सिलाई में हमने बताया दो सिलाई सीधी, दो सिलाई उल्टी, तो इसमें भी ये फंदा स्लिप कराया और इन दो फंदों को उल्टा बुना। अब इसके बाद इस फंदे को फिर से स्लिप कराया और दो फंदे उल्टे। तो इस तरह से ये हमने चौथी सिलाई, तो सबसे आसान है, इसमें ऊन को आगे पीछे भी नहीं करना पड़ रहा, बस दो फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप, दो फंदे उल्टे, जो लॉन्ग स्टिच है हमारा वो स्लिप करा रहे हैं और बीच के दो फंदों को उल्टा बुन रहे हैं। तो लीजिए हम आ गए फोर्थ रो ख़त्म करने पर, आखिरी तीन फंदों को हम उल्टा बुन रहे हैं। अब मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखो कि अब हम फिर से रो वन पे आएंगे तो वही हमको बुनना है जैसे हमने शुरुआत करी थी, एक फंदा स्लिप कराना है, दो फंदे सीधे बुनने हैं, इस फंदे में एक बार, दो बार, तीन बार, देख लें, एक बार, दो बार, तीन बार ऊन लपेटनी है। ये फंदा सीधा रहे इस बात का ख्याल रखना है, इसकी जो बनावट है वो इस तरह से सीधी दिखाई दे, सुंदर बुनाई। तो आशा है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी के प्यार व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।